कलगांव का कूड़ापानी ऐसा अभागा गांव है जहां आज तक सड़क नहीं बन पाई है और गांव में हैंडपंप न होने से गांव के लोग और स्कूली बच्चे खेत के कच्चे कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर है। दो साल पहले प्रशासन ने गांव में पक्का कुआं बनवाया था लेकिन अब आयरन युक्त लाल पानी निकल आने से समस्या जस की तस है। गंदा पानी पी रहे ग्रामीण और बच्चे कभी भी गंभीर बीमारी की ग्रस्त में आ सकते हैं। स्वराज एक्सप्रेस द्वारा मामला सामने लाए जाने के बाद अब विकासखंड शिक्षा अधिकारी जल्द बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। आज तक एक भी बोरिंग का खनन नहीं हो पाया है जिसकी वजह से पूरे गांव को और साथ ही साथ स्कूली बच्चों को भी ढोढ़ी का पानी पीना पड़ता है जो कि अस्वच्छ है और बच्चों को बीमारी होने का खतरा लगातार रहता है। जाने के लिए पहुंच मार्ग नहीं है इस वजह से हैंडपंप की गाड़ी वहां पर नहीं पहुंच पाती है इसलिए हैंडपंप वहाँ पे नहीं खुदा गया है तो गांव वाले वहाँ पे जो झूड़ी बनाए हैं उस झूड़ी का पानी का उपयोग लोग करते हैं। पृथ्वीपुर में तेज रफ्तार